43 दिन में बना देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। बेंगलुरु में 1021 वर्ग फुट में मशीन ने खड़ी कर दी इमारत। निर्माण में 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी की मदद से बचेगा समय और खर्च। बचपन में हम सबने चाहा होगा कि काश शकाला का बूम बूम की पेंसिल हमारे पास होती, जिससे कुछ ड्राइंग करो तो असलियत में वो बन कर निकलती है। लेकिन आज भारत ने अपने लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जिसमें मॉडल डिजाइन की ड्राइंग से एक पूरी इमारत बन जाती है, लेकिन इसमें पेंसिल की जगह प्रिंट का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, पहली बार बेंगलुरु में देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया और अब इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। इस पोस्ट ऑफिस की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए 45 दिन के समय का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसे सिर्फ 43 दिन में ही पूरा कर लिया गया। जबकि अगर इसे नॉर्मल प्रोसेस से बनाया जाता तो इसमें 6 से 8 महीने का वक्त लग जाता। IIT मद्रास और L&T ने मिलकर 3D पोस्ट ऑफिस को 1021 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया है। आपको बता दें कि 3D प्रिंटेड का कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली बार इस्तेमाल 2016 में किया गया था, जब दुबई में ऑफिस ऑफ द फ्यूचर नाम से एक ऑफिस का निर्माण 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से किया गया था, जिसके बाद भारत में भी इस पर काम शुरू हुआ। IIT मद्रास ने इस टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक स्टार्टअप के तहत चेन्नई में 5 दिन में पहला 3D प्रिंटेड BHK फ्लैट बनाकर इतिहास रचा था। हालांकि आमतौर पर इस तरह की फ्लैट बनाने में 4 से 5 महीने का वक्त लग जाता है। 3D प्रिंटिंग दरअसल एक प्रोसेस है जिसमें 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। एक नॉर्मल प्रिंट में एक पेज के ऊपर प्रिंट किया जाता है जो कि 2D होता है, लेकिन 3D टेक्नोलॉजी में पहले डिजिटल तौर पर 3-डायमेंशनल डिजाइन तैयार किया जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाना हो तो कंप्यूटर को बिल्डिंग का नक्शा, शेप, डिजाइन, साइज दिया जाता है। रोबोटिक प्रिंटर की मदद से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में लेयर के हिसाब से कंक्रीट जमाया जाता है। ये उसी तरह से काम करता है जिस तरह से 3D मॉडल की ड्राइंग में डाला गया हो। इस तकनीक में सिर्फ कमांड देना होता है, बाकी सारा काम मशीन खुद कर लेती है। मशीन ही सीमेंट की लेयर्स जोड़कर दीवारें खड़ी करती है। जानकारी के मुताबिक पहली 3D प्रिंटिंग सफल होने के बाद डाक विभाग और भी ऐसी बिल्डिंग बनाएगा। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के एक से एक फायदे हैं। पहले तो ये बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन टाइम घटाती है, दूसरा निर्माण कार्य पर होने वाले कॉस्ट को कम करती है। परंपरागत बिल्डिंग की तुलना में ये रकम 40% तक कम है। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए कंस्ट्रक्शन में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना मील का पत्थर साबित हो सकता है। सरकार के लक्ष्य के अनुसार भारत में 10 करोड़ लोगों को घर देने के लिए कम समय और कम लागत में 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आसानी से घर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर इलाकों में युद्ध जैसे हालातों में 1-2 दिन में मिलिट्री बंगस तैयार किया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग की मदद से गरीबों को बेसिक इंफ्रा मुहैया कराने में मदद मिलेगी। ये स्वच्छ भारत अभियान में भी काफी अहम भूमिका अदा करने का मादा रखता है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके कम समय में और भी टॉयलेट बनाए जा सकते हैं। बेंगलुरु में पहली 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत का सबूत है, क्योंकि आज भारत रेनोवेशन के साथ साथ इनोवेशन के मंत्र पर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।